हमें बताओ कि बुद्धिमान तलिगा ने क्या कहा था। बुद्धिमान तलिगा ने कहा था, ये वर्ष भाग्य का वर्ष होगा, आकाश हिल जाएंगे, पृथ्वी फट जाएगी, मुझे भविष्यवाणी के अनुसार मुझे ढूंढना होगा उस भाग्य के प्राप्तकर्ता को। मैं अकेले ही यात्रा करूंगा। इस भाग्य के वर्ष में एक पुत्र जिसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होगा, वही सारी शक्तियों को धारण करेगा, सर्वशक्तिमान। एक युवा भेड़िया शक्तिशाली भेड़ियों को हराएगा, स्वर्ग की उस पर विशेष कृपा होगी, ऐसा कहा था उन्होंने। ठीक है, फिर ये वर्ष तो भाग्य का वर्ष है। हजारों वर्ष हमने प्रतीक्षा की है इस वर्ष के आने की। भविष्य वाणी के अनुसार दिखाई दे रहा है कि सितारे लाल हो रहे हैं और बगैर गर्मी के घास सूख रहे हैं, ये सब साफ साफ संकेत है। आप सही कह रहे हैं सरदार, परीक्षाएं स्वर्ग की पृथ्वी को देनी होगी, हजारों कहानियां आएंगे निश्चित है। जिस महाअनुभव ने भाग्य के वर्ष की ये भविष्यवाणी की है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो महान तलाइगा है। तो हम इस जमीन पे रहने वालों को स्वर्ग की परीक्षाएं देनी होंगी। भाग्य के वर्ष में शुभ उगी हुई घास शाम होते तक सूख जाती है, सर्दी में भी गोभी रेगिस्तान जैसी गर्मी हो जाती है, गर्मियों के दौरान मवेशियों की हड्डियां ठंड से सुखड़ गई है, ये शुभ संकेत नहीं है। श्रेष्ठ प्रमुख, सुना है कि पिछली बार भाग्य का वर्ष हजार साल पहले आया था, अगर चुनना है व्यक्ति पापी हुआ तो समझिए रक्त की नदियां बहेगी, पहाड़ हड्डियों से ढक जाएंगे, औरतें और बच्चों के आंसुओं की वर्षा होगी, मानव मानव की हत्या करेगा, सज्जन भी शांति भंग करेंगे, लोग मानवता को पूरी तरह से भुला देंगे। योग्यवर ने कई कठिनाइयों को पार किया होगा, तन और मन और आत्मा से, और साथ ही उनकी इच्छा और दृष्टि और पहुंच और संतुलित होनी चाहिए। व्यापारी घोष, हमें बताइए स्टीपी के लोगों में से किसको बुद्धिमान तलिगा ने योग्य घोषित किया था, बताओ। भेड़ियों के युद्ध के मायने समझने में मैं असमर्थ हूं। मेरी समझ में योग्य तो वो होगा जो भेड़ियों के युद्ध का विजेता बन के उभरेगा। जरा रुको, शांत हो जाओ। मुझे अभी याद आया, बुद्धिमान तलिगा के हत्यारों के पास भेड़िया जनजाति का कोई भी उपकरण तो था ही नहीं। मुझे तो शंका है कि आप भेड़िया जनजाति वाले ही इस षड्यंत्र के पीछे हो। सही कहा ना मैंने? खादू, ये तुम्हारा बुना हुआ जाल है। अगर युवा भेड़िया और शक्तिशाली भेड़ियों की कथा में थोड़ा भी सत्य है तो वो युवा भेड़िया तुम हो। तुम अपने आप को हिरण जनजाति के तीव्र दत्त कहलवाते हो, ये सब साफ दिख रहा है। निचले किसान और खाना बदोश ध्वजधारी को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होता, कोई बताओ इसे। खादू, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी है।
सरदार जराई अपने पुत्र को थोड़ा शिष्टाचार भी सिखा देते, लगता है किसी गुस्सेल का रचा हुआ यह षड्यंत्र है। अंगोल और चुनुस जनजाति अपने बच्चों को युवा भेड़िया पुकारते हैं। मेरा शीर्षक तीव्र दांत ज्ञान की चेष्टा का प्रतीक है। अगर आप लोगों को मुझ पे थोड़ी भी शंका है तो हम खदान जनजाति अपने प्राण दे सकते हैं। आजीवन हमारी पारी आने पर भी हम प्रमुख सरदार की गद्दी को नहीं स्वीकारेंगे। इनके कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे ये कटु शब्द जो हैं शांति भंग कर रहे हैं, इसीलिए मेरी प्रस्तावना यह है कि हम हर जनजाति में 10 योद्धा भेजें और उन सफेद खोपड़ियों का पता लगाकर उन दुष्टों को उचित सबक सिखा दें। यह बहुत जरूरी होगा। और कौवा जनजाति ने उनका प्रमुख खोया है। हर जनजाति को अपने एक अभिजात को यहां बंधक छोड़कर जाना चाहिए। मेरे पिता की मृत्यु हुई है, मेरे अलावा कोई और अभिजात बंधक नहीं है यहां। अगर मुझे यहां रुकना पड़ा तो हमारी जनजाति का नेतृत्व कौन करेगा उन सफेद खोपड़ियों से प्रतिशोध लेने के लिए? सरदारो, हमें कौवा जनजाति के पास किसी अभिजात बंधक को क्यों रखना होगा? हम कितना भी मंथन क्यों ना करें, किस जाति ने यह किया है इसका निर्णय कौन करेगा? और याद रखिएगा, विलुप्त सफेद खोपड़ी जनजाति और कौवा जनजाति, इनके पूर्वज एक ही है। मेरे पिता तुम्हारे घर में मारे गए थे, तुम हमारे लिए कलंक हो, तुमने हमें धोखा दिया है। अगर मुझे यहां रुकना पड़ा तो हमारी जनजाति का नेतृत्व कौन करेगा उन सफेद खोपड़ियों से प्रतिशोध लेने के लिए? कौवा जनजाति के पास किसी अभिजात बंधक को क्यों रखना होगा? हमारे दुश्मन बहुत खुश होंगे हमें इस तरह आपस में लड़ते हुए देखकर। आप सभी सरदारों को पता होना चाहिए कि यह अपराध हमारे शांति को भंग कर देगा। एक पुरानी कहावत जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, 5 उंगलियों को मिलाकर मुट्ठी बना दिया जाए तो वो मुट्ठी ताकत बन जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोस। अब आप यहां से जाएं और अपना इलाज करवाएं। आपका शुक्रिया तांत्रिक अम्मा, परंतु मैं अपने शिविर की ओर लौटना चाहूंगा और आप लोगों से बस इतना प्रार्थना करना चाहूंगा कि व्यापारी मार्ग को सुरक्षित करें और तब तक के लिए कुछ अंगरक्षक मुझे दे दीजिए जब तक मसला सुलझ न जाए। ठीक है, अब हमें भी लौटना चाहिए। इतनी बहस के बाद निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, क्योंकि हत्या खदान की भूमि पर हुई थी। हम प्रण लेते हैं कि हर हाल में हम सफेद खोपड़ियों को ढूंढ के निकालेंगे और उन्हें सजा देंगे। आप सभी सरदार सिर्फ अगली पूर्णिमा की रात तक ये प्रतीक्षा करें और तब तक अगर मैंने सफेद खोपड़ियों के शेष लोगों का पता नहीं लगाया तो मैं अपना सर काट के आपकी सभा में भिजवा दूंगा, वो भी खुशी से। मेरे विचार से 1 महीना पर्याप्त है इस विषय का सही तरह से निष्कर्ष निकालने के लिए। श्रेष्ठ प्रमुख जराई, कृपया अगली सभा की तिथि आप अभी घोषित करें, हम दोबारा कहां मिलेंगे? खादो, तुम्हें ज्ञात है तुमने स्वयं कड़ी चुनौती स्वीकार की है, ये तुमने ही कहा है। अगर 1 महीने में तुम अपना कहा पूरा न कर पाए तो सारा दोष खदान जनजाति का होगा। हमें तो दोषी मान ही लिया है, चाहे हम दोषी हो या ना हो। मेरे पास सिर्फ 1 महीने का समय है, इसलिए हर पल कीमती है। मैं अपना वचन, अपना रक्त बहाकर भी पूरा करूंगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। खादून, नहीं,
सरदार जराई, मैं आपसे आपका हथियार मांगता हूं। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे हथियार का उपयोग कर लो। अगर तुम वचन दे रहे हो तो मैं भी एक प्रण जरूर लूंगा। खादु, अगर तुम शेष सफेद खोपड़ियों को एक महीने के अंदर पकड़ने में किसी भी तरह असफल रहे तो तुम अपना सर मेरे सामने काटोगे। लेकिन तुम अपने लक्ष्य में सफल हो गए तो तुम मेरा भी सर बेझिझक काट सकते हो। इर्तई, शेर की तरह दहाड़ने के बजाय अगर मैं बकरी की तरह मिमियाऊंगा तो प्रमुख लोग मुझे शेर नहीं बकरी ही समझेंगे। इर्तई, मैं बकरी की तरह मिमियाऊंगा नहीं, शेर की तरह दहाड़ूंगा। सरदार जराई और 8 जनजाति के सरदारों के सामने मैं भी अपने रक्त से अपने वचन को अंकित करता हूं। अगर ये दोनों वचन निभाने में असमर्थ रहे तो हम इनके कमर पट्टे पे तंत्र करके क्यों ना इनको श्राप से भस्म कर देंगे। आप लोगों ने वचन निभाने का वादा किया है, वो भी मेरे यहां मौजूदगी में। मैं श्राप देती हूं कि अगर किसी ने वचन तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। मेरा ये श्राप खून का प्यासा है। अगर तुम दोनों अपने वादे पर कायम रहे तो श्राप मुक्त हो जाओगे, और अगर वादा नहीं निभा पाए तो मेरा श्राप तुम लोगों को जलाकर राख कर देगा। कमर पट्टे दो मुझे। ओ अग्नि की आत्माएं, मैं आप लोगों को पुकार रही हूं, मुझ में प्रवेश कीजिए। इन तुच्छ जीवों ने वादा किया है, इन्हें श्रापित कीजिए। अगर ये वचन तोड़ते हैं तो इन्हें जलाकर भस्म कर दीजिए। अग्नि आत्माएं, अग्नि आत्माएं, भस्म कर दीजिए इन्हें, भस्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिए, भस्म, भस्म। तुम लोगों का प्रण अग्नि की आत्माओं ने स्वीकार कर लिया है। ये कमर पट्टे अब शापित हो चुके हैं। अपने प्रण को कर्म से पूरा करो। प्रण लेने वालों, अब अपने अपने कमर पट्टी वापस ले लो। इससे मुक्ति मिल सकता है लेकिन श्राप से नहीं। ये बात याद रखना, श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। अब सभा 1 महीने के लिए स्थगित की जाती है। पुनः सभा की तिथि सभी तक दूतों द्वारा पहुंचा दी जाएगी। अब सभा स्थगित होती है। पिताजी, मैं आपको वचन देती हूं, मैं आपका कटा हुआ सर उस अजहर से सफेद खोपड़ी से वापस लाऊंगी और आपकी आत्मा सुखदेव में विलीन हो जाएगी।
कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी दुल्हन? हमारी सगाई हुई होगी पर मैं अभी तक तुम्हारी दुल्हन नहीं बनी हूँ, ना ही कभी सोचना कि मैं कभी बनूंगी। बारंच, तुम किसे ढूंढने जा रही हो? मैं पता लगा कर रहूंगी कि अजहर कहाँ छुपा है और अपना प्रतिशोध मैं सफेद खोपड़ियों से लेकर रहूंगी। रुको, सरदार जराई के अनुसार तुम हमारी कौवा भूमि पर एक महीने के लिए बंधक बनकर रहोगी। मेरे पिता और ध्वजधारियों का नरसंहार हुआ था, इसलिए अब मैं यहाँ सुकून से कभी भी नहीं रह सकती हूँ, तुम समझ रहे हो? मैं अपने पिता की आत्मा को शांति दिला के ही रहूंगी। तुम नहीं जानती शत्रु कहाँ छुपा हुआ होगा। खादान के खादुन और अंगोल के इरताई ने वचन दिया है कि वो दोनों शत्रु का विनाश करके ही रहेंगे, समझे तुम? ये दुश्मनी ना औरतों के लिए तो बनी ही नहीं है, वापस अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी, एक महीना तो क्या, मैं एक रात के लिए भी यहां नहीं रुक सकती हूं। हट जाओ, मेरा रास्ता छोड़ो। मैं घर को ही जब से होश संभाला है तब से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं। मैंने सूरज और चंद्रमा की उपासना की कि तुम मुझे मिल जाओ। अगर ये रक्तपात ना हुआ होता तो मैं पिता के साथ तुम्हारे घर आके तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगता, और अगर वो तुम्हारा हाथ मुझे नहीं देते तो मैं घर कोई किसी को भी नहीं बख्शता। मेरे दिवंगत पिता ने कहा था कि तुम अगली गर्मियों में मुझसे विवाह करने के लिए आओगे, लेकिन अब कन्यादान करने वाला पिता ही नहीं रहा, ना ही कोई घर जहां मैं लौट सकूं। अब मुझे प्रेम प्रसंगों में नहीं पड़ना, मैं शेष जीवन प्रतिशोध में व्यतीत कर दूं तो पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारी पिता की इच्छा नहीं हो सकती। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे पिता को शांति नहीं मिलेगी और सारी जाति वाले विलुप्त तो हो जाएंगे। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम अपने दिमाग से काम लो। आशा करता हूं कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, जब तक मैं वापस लौटूंगी तब तक तुम मेरी सारी जाति की रक्षा करना, तब मैं मेरे पिता की इच्छा पूरी करूंगी तुमसे विवाह करके। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी इस नशे की लत को छोड़ना होगा और मुझे साफ मन से अपनाना होगा। अगर तुम ये दो चीजें कर सके तो मैं तुम्हारी अदांगिनी बनने के लिए तैयार हूं और आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगी। ये दोनों बातें दिल से स्वीकार करता हूं, कसम खाता हूं तुम्हारी। ठीक है तो मैं चलती हूं। रुको मेरी बोरांच, ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। इस दिल में सिर्फ तुम हो और हमेशा हमेशा के लिए रहोगी। अपना ख्याल रखना।
इर्तय, इर्तय, वो दूध पीता बच्चा, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे वचन को चुनौती दी। आदोन, तुमने एक अटूट प्रण लिया है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने ये अपने ऊपर ऐसी एक विपदा क्यों लेकर आए? महान सेवगी, क्या आपको लगता है कि मैं दुर्बल हूं? आपको शंका है कि मैं सफेद खोपड़ी जनजाति को ढूंढकर उन्हें दंड देने में असमर्थ हूं? क्या सचमुच मेरे बारे में आप ऐसा सोचते हैं? सफेद खोपड़ियों को ढूंढना एक अलग बात होती है, जानते हो, पर आठ जनजातियों के सामने विवेकशील होते हुए प्रण ले लेना एक दूसरी बात है। जब खदान लोगों का कोई दोष ही नहीं है तो आपको मेरे वचन लेने से क्या आपत्ति है? और वो इर्दई, प्रमुख सरदार का बेटा, और वो खारखुई, बुद्धिमान तलिगा का बेटा, उन दोनों ने मेरा अपमान किया, मेरे लिए अपशब्दों की वर्षा की, लेकिन फिर भी आप शांत रहे। आपने चुपचाप से यह सहन क्यों किया? मेरे प्रमुख, तुम खदान जाति के अध्यक्ष हो, यदि तुम एक अबोध बालक की तरह व्यवहार करोगे तो तुम्हारे पिता के नाम पे वो तो एक अनादर भी तुम कर सकते हो, तो तुम्हारे पिता के यश और नाम का क्या होगा? घर लौटते ही मैं अपने योद्धा लेकर निकलूंगा और सफेद खोपड़ियों के हर एक बच्चे को मौत के घाट उतार दूंगा, उन्हें उनके पापों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। अगली सभा में हमारे खदान ध्वज का झंडा लहराएगा पूरे गौरव से और पूरे अभिमान के साथ। अरसाई, किराए में हमारी छोटी बड़ी 33 जनजातियों में कौन सही में योग्य है योग्यावर की पदवी के लिए, आपको पता होगा? आप मुझे बताइए, आपके मन में कौन है जो विश्वास के पात्र है? इस बूढ़े आदमी की इच्छा अभी दुनिया से परे है, अब मेरी शारीरिक क्षमता मुझे घर ही पहुंचा दे तो काफी होगा मेरे लिए। योग्यवर जो भी हो, उसकी क्षमताओं में समझौता नहीं होना चाहिए, उसकी योग्यता तन मन और आत्मा से पूरी तरह निपुण होना चाहिए। अगर भाग्य की चाबी किसी अयोग्य पुरुष के हाथ लग गई तो फिर हजारों वर्षों के लिए इस जमीन पर रहने वालों का भाग्य उजड़ जाएगा। मेरे विचार से तो आपका बेटा इर्तय भी काफी योग्यवर योद्धा है कि नहीं? मेरा बेटा इर्तय सही पसंद नहीं होगा। आपका बेटा एक बहादुर निडर आदमी है, उसमें साहस और धैर्य दोनों ही उसके अंदर है। साहस और धैर्य हो पर विवेक की कमी हो तो वो योग्यवर तो नहीं, पर विनाशकारी अवश्य ही हो सकता है। क्योंकि आपने वचन दे दिया है तो अब मुझे तो आपके साथ ही जाना होगा। और आपके क्रोधित होने पर आपको सही मार्ग दिखाना होगा। अगर युद्ध में मैं एक बुढ़े आदमी को ले जाऊंगा तो वो मेरी मूर्खता होगी, और शायद ही ऐसा कोई करेगा। हाँ, आपको खदान भूमि में रहकर हमारे लोगों की सहायता करनी चाहिए। युद्ध हमेशा बल से नहीं जीता जा सकता है। अगर आपके पास बल और बुद्धि दोनों हो तो आप हारते कम और जीतते अधिक से अधिक हो। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी मूर्ख बालक को उपदेश दे रहे हो। अच्छा होता यदि आपको कौवा जातियों के पास मैं बंधक की तरह छोड़ आता। मेरे सरदार, मुझे क्षमा करें, मैं
केवल आपका और खदान भूमि का शुभ चिंतक ही हूं, मेरे लिए और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इतने वर्षों तक शांति के नाम पर आपने मेरे बल और मेरे शब्दों को बंधक बनाकर रख दिया था, पर अब मैं एक बहादुर जवान हूं और खादू जनजाति का सरदार हूं। मैं अब कोई अबोध बालक नहीं रहा। आपके शब्द अब मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं करते महान सेवगी। खादून, क्या आप मुझे अपने से दूर करने के लिए सोच रहे हैं क्या? जब से आपका जन्म हुआ है तब से मैं आपके हित की सोचता हूं और हमेशा आपकी देखभाल ही किया है मैंने, और आज जो ये सरदार बने हैं ना, उसमें मेरा भी बहुत बड़ा योगदान है। मुझ पे नियंत्रण करने का अब आप प्रयास ना करें। भाग्य के वर्ष में आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये एक बहुत बड़ी कहावत है। हमें अपनी भेड़िया जनजाति में खुद को बने रहने के लिए और अपने परिवार को रिश्तेदारी में जल्द से जल्द बांध लेना चाहिए। आपस में शांति बनाए रखने के लिए मैं अपनी बेटी सरखुन का विवाह आपके बेटे इर्तई से करवाना चाहूंगा। काफी समझदार हो गए हो, पर तुम्हारी बेटी सरखुन और मेरा छोटा बेटा मैकलेन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, क्या तुम्हें पता है? क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भेड़ियों और हिरण जाति में शांति बनाए रखने के लिए तुम्हारी बेटी सरखुन और मेरे छोटे बेटे मैकलेन का विवाह हमें करवा देना चाहिए। क्या आपका मतलब है कि आप अपने छोटे बेटे को अंगोल जनजाति का सरदार बनाएंगे? ऐसा किया तो भेड़िया परीक्षण दिए हुए युवा उसका नेतृत्व नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। आपको इस बात का अंदेशा होगा। मुझे अंदेशा है। यदि मैं अपने छोटे बेटे को भी सरदार की गद्दी सौंप दूंगा तो भी उसे अपना वर्चस्व जनजाति पे स्वयं सिद्ध करना होगा। आप चिंता ना करें सरदार जराई, अब तो जो भी होगा वो केवल और केवल स्वर्ग की इच्छा से होगा। पिताजी, अभी हमें काफी यात्रा करनी बाकी है, हमें सूर्यास्त से पहले पहुंचना है। ठीक है बेटा, तेजी बढ़ा देते हैं। यह बुढ़ा किसान साहस में वृद्धि करके कुछ कहना चाहता है आपसे ही कि आपने अपनी दृष्टि तो दोबारा अर्जित कर ली है, पर दूरदृष्टि के विषय में अभी भी नेत्रहीन हो आप। आपको कोई भी अंदेशा नहीं है। रुको, तुम्हारा अपमान असहनीय है। इस भूमि के सारे योद्धा मिलकर भी मेरी दृष्टि को नहीं लौटा सकते, पर मैंने मेरी दृष्टि का उपचार खुद अपने साहस और दृढ़ निश्चय से किया है, समझे आप? ये तो बहुत अच्छा है, उधर चलिए हमारे सरदार से मिलिए। शिकारी बोर्दोई,
इससे पहले कि व्यापार की चर्चा हो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बहुत लालची हो गोस, तुम मुझसे नशे की हालत में व्यापार की बातें करना चाहते हो। चलो ठीक है, और डाल दो। मुझे नशे में डुबोना रेगिस्तान में प्यास बुझाने जैसा है। शिकारी बोरदोई, तुम एक बहुत बुद्धिमान आदमी हो, मेरी बात सुनो। क्या तुम जानते हो 8 जनजातियों की सभा में मुझे बुलाने का क्या कारण था? वो खीरी जनजाति के बुद्धिमान तलिगा की हत्या नहीं थी, बल्कि नरसंहार था तुम्हारे अपने सारीन के प्रमुख सरदार का। क्या? जब मैं कौओं की भूमि पर था, तब मैंने आपके प्रमुख सरदार और आपके लोगों के शव देखे, और जो सफेद खोपड़ी जाति के लोग हैं उनके पास विदेशी हथियार थे, और उन लोगों ने ठंडी घाटियों में आपके लोगों को मारा। क्या बक रहे हो धूर्त व्यापारी? ऐसा घोर अपशब्द मत बोलो। इन अपशब्दों के लिए मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके पूरे जंगल में फैला दूंगा। अरे, आप मुझ पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? मैं तो केवल सत्य बोल रहा हूं। अच्छा लीजिए। प्रमुख खारदान और उनके ध्वजधारी क्या सब मारे गए? और राजकुमारी बोरंत का क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताओ, तुमने क्या देखा? मैंने वहां पर देखा कि सफेद खोपड़ी वालों ने खादरान का सर काट दिया, लेकिन भाग्य से राजकुमारी बोरुंच बच गई। ये लीजिए, वो कौओं की भूमि में है। तुम्हारे पास हथियार तो है ना? इस बार मैं तुमसे व्यापार में अपने खालों के बदले उन हथियारों को लूंगा। हमारे लिए तो ये पूरी तरह से वर्जित है बारदोई। हथियारों का व्यापार प्रमुख सरदार की अनुमति से पूरी तरह से वर्जित कर दी गई है। हमारे पास तुम्हारे लिए कोई हथियार नहीं है, हमें क्षमा करना। क्या वर्जित है और कैसी अनुमति? ऐसे नियम किस काम के? अगर तुमने मुझे हथियार नहीं दिए, प्रतिशोध लेने नहीं दिया, तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। मैं उन हथियारों का व्यापार आखिर कैसे कर सकता हूं जो मेरे पास है ही नहीं? तुम्हारे मुख्य सरदार के शोक में मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और अपने व्यापारी पद से भी इस्तीफा देता हूं। मैं इस पद पर अब नहीं रहूंगा। तुम भयभीत हो गए उन खौफनाक दिनों से जो आने वाले हैं, इसलिए अपने दयनीय जीवन को बचाकर यहां से बचकर भाग जाना चाहते हो। देखो, मेरी बात पर विचार करो। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन एक बात है, यहां से लौटते हुए तुम जितना नमक तुम्हें चाहिए वो लेकर जा सकते हो। तुम कौओं की भूमि में जाओ। सबसे जरूरी है इस वक्त राजकुमारी बुरुंज की सुरक्षा करना। तुम्हें शीघ्र जाना चाहिए। व्यापारी गौस, अगर तुम इतने दुखी हो इस बात को लेकर, तो अपने घोड़े दे दो सामान लादने के लिए। मैं अगली बार तुम्हें वापस लाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
जाओ घोड़े को बांध दो। जो हुकुम सरदार। आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत ही अच्छा था। मेरा बेटा शालू नहीं दिख रहा है मुझे। लड़के लगते हैं, उत्तर के चट्टानों पर नकाशी कर रहे होंगे। लड़के? अंगोल जाति से खाफता ही आया है हमारे शालू से मिलने के लिए। आपको क्या लगता है वो हमारे यहाँ किसी विशेष काम से आया हुआ है? मुझे नहीं लगता, वो सिर्फ हमारे बेटे से मिलने आया है। मैं बहुत खुश हूँ, वो दोनों आपस में बहुत घुल मिल गए हैं, बिल्कुल अच्छे मित्रों की तरह। आदमी को सिर्फ एक अच्छा मित्र और अच्छे घोड़े की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं वो कभी घोड़सवारी नहीं कर पाएगा, पर अब उसका कोई मित्र तो है। सरदार, आपकी यात्रा सफल रही? हमारे लिए क्या आदेश है? उन गंभीर लड़कों को लेकर आओ। परदाई के बच्चे जो निगरानी करते वक्त सो गए और चोरों को दूसरी सांस के घोड़े को चोरी करने का मौका दिए, इन दोषियों को सजा मिलेगी। मृत्युदाता द्वारा वो लोग घसीटे जाएंगे सूर्यास्त के समय। उनकी सजा के दौरान जनजाति का हर व्यक्ति साक्षी रहना चाहिए, समझ गए? परसाई, क्या आपको वो मार्ग याद है? ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। हमने उस दल सफेद खोपड़ियों के शेष लोगों का वहीं पर वध किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। अगर आप में युद्ध कुशलता नहीं होती तो वो दाल सीशन मेरी खोपड़ी से अमृतपान कर चुका होता। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ अजीब सी शांति है। शव में पलने वाले गिद्ध बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, या तो कोई जानवर घात लगाए हुए हैं जगह जगह पर, या तो कोई शत्रु हमारी प्रतीक्षा में है। इरतय, आदमियों को होशियार करो, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। रुकिए, आपको अपने बेटे के साथ यहीं रुकना चाहिए। अगर इन संघर्षपूर्ण दिनों में हमारे सरदार पर आंच आई तो समस्त 8 जनजातियों में भगदड़ मच जाएगी। मैं अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ता हूं, अगर यह घात हुआ तो आप दूसरे मार्ग से निकल जाइएगा। बेटा, अपने पिता को सुरक्षित अपने घर ले जाओ। जी सरदार। अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी सरकुन को उसकी चाहत की भूमि बसा लेना। आप मेरी बेटी को एक फलता फूलता परिवार देना।
अरसाए बुढ़ा भेड़िया अरसाए। अपनी घोषणा करो और अपनी पहचान बता दो मुझे। मैं अपने पूर्वजों को यह बताना चाहता हूं कि किसके हाथों से मेरा अंत हुआ है, किस गलती की सजा मुझे मिली है। जाके उनसे कहना कि वो अमर आधार था, ताल ससन का छोटा बेटा, सफेद खोपड़ी जनजाति से, जिन्हें कीड़ों की तरह मसल दिया गया था। अजहर, अजहर, ये मेरे लिए जोखिम था तुम्हें जीवित छोड़ देना, और तुम्हारा भाग्य था। अब तुम मुझे मार के ये सब खत्म करो। तुम्हारे भेड़िया जाति वाले युवा बच्चों को छोड़ देते हैं ना, तुमने मुझे क्यों जीवित छोड़ा? आज से 30 साल पहले। क्योंकि हमारे अंदर पत्थर का दिल और ठंडा खून नहीं बहता है। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत ज्यादा बहादुर थे। तुमने छुपकर मुझ पर घात लगाकर वार किया उसी स्थान पे जहां तुम्हारे पिता घोड़े पे सामने से लड़ते थे। सही कहा, काले प्यादों की घाटी मेरे लिए मेरे बाप की हत्या की कहानी उसी तरह ताजी रही जैसे बच्चे के लिए मां का दूध होता है। प्रतिशोध की आग सीने में लिए इसी दिन के लिए जी रहा हूं मैं। तुम्हारा मतलब है सफेद खोपड़ियों के बच्चे अपनी मां का दूध भी पीते हैं? पर तुम तो कहते हो केवल रक्त ही पीते हो। मेरे शत्रु का रक्त मुझे दूध से भी ज्यादा मीठा लगता है। सिर्फ तुम्हें मैं यह अवसर दूंगा अपने पूर्वजों के पास पूरे शरीर के साथ विदाई लेने का। इसे मेरा उपकार समझना, मुझे और मेरी माँ को उस समय जीवित छोड़ने का, समझ गए? जराई किस दिशा में भाग निकला है बताओ मुझे, तभी मैं तुम्हारा दिमाग तुम्हारी खोपड़ी में और दिल सीने में छोड़ूंगा। तुम्हें लगता है कि यह बुड्ढा भेड़िया अपने मित्र से विश्वासघात करेगा अपने जीवन के लिए? जो करना है तुम कर सकते हो। प्रशंसा करता हूं तुम्हारी निष्ठा की। तुम सूर्य में विलीन हो गए अपने शरीर के साथ। भेड़िया जाति का अंत देखो, भेड़िया जाति का अंत देखो, भेड़िया जाति का अंत देखो, भेड़िया जाति का अंत देखो। मुझे अरसाई के सर को धड़ से काटना है। मेरा अधिकार है उस आदमी का गोश्त खाने का जिसने मेरे पिता की हत्या की। अगर तुम बहुत भूखे हो तो यहाँ और भी शरीर और भेजा है। अरसाई का चरित्र मुझे अपने पिता की याद दिलाता है। वो पूरे शरीर से सूर्य में विलीन होगा। सरदार अरसाई के शरीर को उनके घोड़े पे लाद के उनके घर रवाना करो, कोई उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। अरसाई और श्रेष्ठ सरदार जराई दोनों एक साथ खेरे भूमि से चले थे, वो आसपास ही कहीं होगा। उसके रक्त की गंध बेचैन कर रही है मुझे। जाओ और उसका पता लगाओ। अब अंगोल का अंत होगा। अंत देखो, अंत देखो,
अंत देखो। मैंने कुछ ध्वजाधारियों को आगे की ओर भेजा है मार्ग पर खतरा भांपने के लिए। मुझे चिंता है सरदार अरसाई और बेड़िया जाति के ध्वजाधारियों की। हमें पहुंचने पर सब पता चल जाएगा। पिताजी, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मेरे बेटे इरतई, जब हम हमारे शिविर लौटेंगे, तुम्हें हमारे आदमी और हथियार लेकर खदान के लिए तुरंत रवाना होना चाहिए। तुम्हें खदान के साथ मिलकर सफेद खोपड़ी का विनाश करना चाहिए। खादू के साथ मिलकर? आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? क्या भूल गए खादू और मैंने सभा में मौत की प्रतिज्ञा ली है? बेटा, ये क्षण विवाद का नहीं है। एक साथ मिलकर हमें शक्तिशाली होना होगा। अगर आपने मेरा कहना माना होता तो सभा के लिए निकलते समय हम हथियार अपने साथ लेकर निकलते। पिताजी, अगर हमारे पास हथियार होते तो शेष सफेद खुपड़ियों से हम इस तरह भागते नहीं फिरते। और मैं 8 जनजातियों की सभा में उस अजहर का सर अपने हाथ में लिए खड़ा होता। यात्रा से पहले आपके घोड़े की काठी टूट गई थी, आपको तब भी शंका नहीं हुई पिताजी? अगर हम सभा में अपनी फौज और हथियार के साथ आए होते तो सारा दोष हम पर मढ़ा जाता। कभी तुमने ऐसा होते हुए देखा है क्या? दोष लगने से क्या फर्क पड़ जाता, हम सुरक्षित और जीवित तो रहते। सफेद जनजाति के लोग भी इसे दर्शन शास्त्र में मानते हैं। जैसा तुम मुझे कह रहे हो वैसा कोई नहीं मानता। एकजुट रहेंगे तो हमारा विस्तार होगा, विभाजित हुए तो सबका नाश होगा। इस नियम को याद रखना। सारी नियम प्रणाली आप ही के हाथ में है। जब हम विचार कर रहे थे तो उस समय 3 प्रमुखों को सूर्य में विलीन कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि तलवारों से वार्तालाप का समय आ गया है? चुप रहो। जिसे विवेक न हो कि तलवार का प्रयोग कब करना है, वो विनाश को आमंत्रण देता है। तलवार शत्रु के रक्त बहाने के लिए होता है, ना कि तलवारधारी का। तो मैं उस खादू की सफलता के लिए अपना जीवन असुरक्षित कर दूं क्या? मैं घर पहुंचते ही अपने योद्धाओं के साथ निकलूंगा और सफेद खोपड़ियों का पूरी तरह विनाश कर दूंगा। अगर तुम मुझे अपना पिता नहीं समझ सकते हो तो फिर मुझे सरदार समझोगे। यह भूलना नहीं, मेरा आदेश राज नियम है। यह सिर्फ अंगोल जनजाति के लिए नहीं है, पर 8 जनजाति और इस भूमि के 33 जनजाति के लिए। मैं रक्तपान करूंगा ध्वजाधारियों की खोपड़ियों से। हु, 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 हु।
हूँ।